वृंदा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे मशहूर नरगिस जो एक्ट्रेस हैं उनकी माँ जद्दन बाई की जीवन यात्रा, उनका व्यक्तिगत जीवन और उनका जो फिल्मी करियर ग्राफ रहा उस तरह से। तो दोस्तों, संजय दत्त की नानी है, नानी थी जद्दन बाई और वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। दोस्तों, जद्दन बाई की शादी के बाद विदाई हो चुकी थी, परंतु लौटती बारात पर डाकुओं ने हमला किया और दहेज लूट कर पति को भी गोली मार दी। तो जद्दन बाई युवा विधवा ससुराल वाले पर बड़ा अत्याचार करते थे, ससुराल वाले उन पे, और उन्हें जन्मजली और अभागी करार दिया। प्रतिदिन की तरह वे नदी के घाट पे कपड़े धो रही थी और कोई लोकगीत गुनगुना रही थी, तो उधर से जा रही यात्रा मंडली की एक स्त्री ने उनकी कथा व्यथा सुनी और अपने साथ भाग जाने का आग्रह किया। ऐसे में वो कोलकाता आई और उन्हें एक कोठे को सौंप दिया गया। उस दौर में दो तरह के कोठे होते थे, एक में ठुमरी और नृत्य होता था जैसा हम पाकिजा में देख चुके हैं, और दूसरे किस्म के कोठे में शरीर का व्यापार होता था। इस जन्म से हिंदू कन्या को कोठे वालों ने नया नाम दिया जद्दन बाई। उनके माधुरी के चर्चे होने लगे। उसी दौर में पंजाब के एक खानदानी रईस के सुपुत्र मोहन बाबू डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए कोलकाता से लंदन जाने वाले थे। जहाज के आने में कुछ दिनों के विलंब के कारण मोहन बाबू को जद्दन बाई के कोठे पर जा पहुँचे और उनके सौंदर्य और माधुरी के इस तरह दीवाने हो गए कि उनसे विवाह की जिद पकड़ ली। व्यवहारिक बुद्धि की जद्दन बाई ने उन्हें समझाया कि वे आत्मघाती जिद छोड़ दें। जद्दन बाई ने अपने पहले पति से तलाक ले लिया था, उन दिनों वो उनके लिए तबला बजाता था। मोहन बाबू के परिवार ने उन्हें सारी जायदाद से वंचित कर दिया। जद्दन बाई को जुनूनी आशिक से विवाह करना पड़ा और उनकी पुत्री हुई नरगिस। जद्दन बाई किस्मत आजमाने के लिए मुंबई आई, जहां उनकी ठुमरी गायकी को भरपूर प्रशंसा मिली। उन्होंने फिल्म निर्माण आरंभ किया जिसमें पहले पति से जन्मे पुत्र अनवर खान को नायक बनाया। फिल्म के घाटे को पाटने के लिए उन्होंने नरगिस को अभिनय के क्षेत्र में उतारा और नरगिस बड़ी हुई और कांग्रेस के अधिवेशन में बतौर स्वयंसेविका कार्य किया। वहां नेहरू ने उन्हें सफ़ेद साड़ी पहनने की सलाह दी, ताउम्र नरगिस ने सफ़ेद साड़ी पहनी और राजकुमार ने उन्हें सफ़ेद साड़ी पहनने का मशवरा दिया था। राज कपूर ने जब युवा राज कपूर अपनी पहली फिल्म आग के लिए नरगिस को अनुबंधित करने आए तो जद्दन बाई ने उन्हें पृथ्वीराज कपूर के पुत्र होने के नाते अनुबंध किया और जद्दन बाई ने फिल्म बरसात की शूटिंग के पहले दौर में ही भाप लिया कि नरगिस राज कपूर प्रेम कथा आरंभ हो गई है। इसलिए उन्होंने कश्मीर में 30 दिन की आउटडोर शूटिंग की इजाज़त नहीं दी और खंडाला में ही शूटिंग करनी पड़ी। बरसात निर्माण के दौरान ही जद्दन बाई की मृत्यु कैंसर से हो गई, अतः नरगिस प्रेम में आकंठलीन हो गई और उन्होंने 9 वर्ष के साथ में उन्होंने 17 वर्ष काम किया और जागते रहो के अंतिम दृश्य में मंदिर के आंगन में पौधों को जल देती हुई नरगिस रात भर से प्यासे नायक को जल पिलाती हैं। ये इन दोनों का अभिनय आखिरी दृश्य था, फिर तो वो ताम्र ही अलग रहे। और इस दृश्य के पार्श्व में शैलेंद्र लिखित गीत की पंक्तियाँ किरण पर परी गगरी छलकाए और ज्योत का प्यासा प्यास बुझाए। दरअसल राज कपूर की जागते रहो और गुरुदत्त की प्यासा सांस्कृतिक प्यास की कहानियां हैं और आज वो अखिल विश्व की प्यास बन चुकी हैं। तो इस तरह से जद्दन बाई की स्टोरी रही और नरगिस की माँ और संजय दत्त की नानी हुई और सुनील दत्त की सास। तो ये रही कहानी, आप सभी को पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।